चश्मा, सिर पर साफा और हाथों में गुलाल। रंगोत्सव की दुनिया में हर साल योगी का यही लुक धूम मचाता है। हर साल की तरह इस बार भी होली के मौके पर नरसिंह शोभा यात्रा निकाली गई। घंटा घर से शुरू हुई शोभा यात्रा में लोगों का जन सैलाब उमड़ा। हर कोई अपने पीठाधीश्वर की सिर्फ एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आया। रंगारंग इस कार्यक्रम में योगी जी ने भीम सरोवर पहुंचकर बत्तखों को दाना खिलाया, गौशाला में दूध गुड़ रोटी खिलाकर गौ सेवा की, होलिका दहन की राख का टीका लगाया और उसके बाद जाकर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ही रथ पर सवार होकर शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। देश के सबसे बड़े उत्सव के उत्साह में हर कोई झूम रहा था, खुद योगी जी भी थिरकते हुए कई दफा देखे गए। इन सब के बीच चुनाव से ठीक पहले गोरखपुर की जनता को संबोधित करते हुए योगी जी कुछ ऐसा बोल गए, या फिर यूं कहें कि होली के रंग में कैसी भविष्यवाणी कर गए, जिसके चलते अभी से विरोधी खेमे में हड़कंप मच गया है। पिछले कई दिनों से पूरे देश के अंदर सनातन धर्मावलंबी हजारों वर्षों की अपनी इस विरासत को होली जैसे पर्व के माध्यम से उल्लास और उमंग की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए इस उत्साह में अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस पर्व में भागीदार बन रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 90 वर्ष से अधिक समय से गोरखपुर में निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक बार फिर से गोरखपुर वासियों के साथ मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं होली के समिति को इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों की वर्ष भर से इंतजार रहता है कि वर्ष में एक अवसर ऐसा आता है जो हम लोग इस शोभा यात्रा के माध्यम से समरस समाज की स्थापना का संदेश देते हुए अपने उत्साह उमंग के साथ समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए अपने पर्व के इस उमंग को हर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं उत्साह उमंग में विश्वास करता है, सौस्तित्व में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वे संत निरामया के इस भाव के साथ विश्वास करता है। जहां समाज सुखी होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, वहीं पे उत्साह उमंग होगा और ये पर्व और त्योहार इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम सुरक्षित थे, समृद्ध थे और इसलिए उत्साह और उमंग के साथ होली जैसे पर्व हमारे बीच में आए हैं। और जब कभी सनातन धर्म पर संकट आया है तो कोई ना कोई अवतार सामने आकर के नेतृत्व तो देकर के उन दुष्प्रवृत्तियों को, वो दुष्प्रवृत्तियां समाज के जीवन में कहीं में बाधक है, प्रगति में बाधक है, सुरक्षा में बाधक है, उन सबको जवाब दे करके अपने कार्य पर विश्राम दे करके किसी न किसी एक पर्व के साथ हमें जोड़ करके हमारी जीवन यात्रा को उत्साह उमंग के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। होली भी एक ऐसा पर्व है और इस बार तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है उसका सार मंत्र तो और भी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपने देखा होगा अयोध्या में 495 वर्ष के बाद रामलला ने भी उस पूरे आयोजन में सहभागी बनकर के अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हम पर बरसाई है। और आज
नरसिंह भगवान के शोभा यात्रा के साथ जुड़ने का अवसर फिर हमें प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, उत्साह और उमंग के साथ हम लोग अपनी खुशियों को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बोली आपसी मैर भाव समाप्त कर, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का, समतामूलक समाज की स्थापना का एक संदेश हम सबको देता है। जहां विभाजन होगा, आपस में समाज बटा होगा और समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता। जो समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता वो उत्साह और उमंग के साथ भी शामिल नहीं हो सकता। एकजुट होकर के समतामूलक समाज की स्थापना करके कहीं कोई कहानी है छुआछूत की, अस्पृश्यता की, आपसी विभाजन की, उसको दूर करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर उमंग लंबे कालखंड तक हमको मनाने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। एक और जहां 100 उमंग के साथ हमें जुड़ना है, वहीं हमें समाज के अंदर सभी को अपने साथ जोड़ना है। आपने देखा होगा इस उत्साह और उमंग के साथ हम छोटे बड़े का ख्याल नहीं रखते, सबको रंग और गुलाल लगाते हैं शालीनता के साथ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है किन्हीं कारणों से, पारिवारिक कारणों से वो व्यक्ति नहीं लगाना चाहता है, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, उसको अपनी खुशी के साथ उसके साथ बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो अनिच्छुक है हम जबरन भी नहीं करेंगे। और आज ये पर्व और त्योहार हमें इसी संदेश के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। अतः मैं आज के इस अवसर पर जब हम लोग विकास और सुख और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए हैं, जब भारत एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, उन स्थितियों में पर्व और त्योहारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हुए हम सबको आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। होलिका उत्सव समिति के भगवान नरसिंह की यात्रा के आयोजन के अवसर पर एक बार फिर से गोरखपुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। नगर को साफ सुथरा करके रखा, जिससे आप लोगों को होली को और अच्छे ढंग से मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय।